बारे में आयुर्वेदा ग्रुप द्वारा हमेशा से जो अशोक प्रसाद अभिषेक जी हैं उनके द्वारा किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो 22 तारीख को हिंदू रुद्र सम्राट बाला साहेब ठाकरे जन्मदिन के अवसर पर आयुर्वेदा अशोक प्रसाद जी की ओर से 250 लोगों को मुफ्त में चश्मे और मेडिकल की सुविधा दी गई थी, आज महाराष्ट्र का ये त्यौहार है कि सौभाग्य की लेन हम लोग बोलते हैं कि ये महीने में हम लोग सौभाग्य के लेन एक हिंदुस्तान संस्कृति है महाराष्ट्र की, वो प्रोग्राम के अवसर पर अशोक जी ने मुझे कहा ये प्रोग्राम बड़े अवसर पे होना चाहिए, बड़े पैमाने पे होना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान महाराष्ट्र का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय जी ये प्रोग्राम लो, पूरा सहयोग देने का काम मैं करूँगा। पिछले 10 से 15 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और पिछले 15 साल से उन्होंने हर प्रोग्राम में मेरे मेडिकल हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेडिकल की सुविधा हो, MRI हो, सिटी स्कैन हो, लोगों की सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। आज उन्होंने दिखाया जो महिलाएं हैं, क्योंकि आज तक वो जेंट्स लेडीज़ के पीछे थे लेकिन आज स्पेशली महिलाओं के लिए उन्होंने मुझे सहयोग किया, उसके लिए मैं उनको शुक्राचार करता हूँ। जो ये महाराष्ट्र का त्यौहार है स्पेशली सौभाग्य के लेना, जो एक लेडीज़ है वो एक दूसरे को वान बोलते हैं हम लोग उसमें, वो एक दूसरे को वान देते हैं और उनकी उनके हस्बैंड की आयु दीर्घ हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यही प्रोग्राम, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम कंटिन्यू चालू रहे इसके लिए ये प्रोग्राम किया, इसी के लिए यही सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ही अशोक प्रसाद जी ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया हुआ है। हल्दी कुंकू है हमारा, हे आमचं अगदी भारतीयांचं मोठा सण असतो आणि कुठेही हळदी कुंकू असल्यामुळे काय गरिबांकडे असो, श्रीमंतांकडे असो, रस्त्यावर असो, फुटपाथवर असो, गार्डनमध्ये असो, तरी आमच्या महिला त्या हळदी कुंकूसाठी एक सवासणीचं वाण म्हणून तिथे उपस्थित राहतात आणि अशाच महिला आमच्या प्रत्येक शिवसेनेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात, हे आमचं भाग्य आहे। मी ज्यावेळी पक्षामध्ये आले त्यावेळी मी जी सुरुवात केली ती त्यांच्या आशीर्वादानेच केली आणि त्यावेळी तिकडे आमचं आंबेमाता चौक म्हणून तिथे नवरात्र असायचं, हळदी कुंकूचं मोठा कार्यक्रम असायचं आणि ते सहकुटुंब मासाहेब सुना वगैरे सगळ्या यायच्या आणि त्यांची जवळजवळ एक दीड तास देखभाल ही मी स्वतः करत असते आणि स्वतःच्या हाताने त्यांनी ते कुंकू आम्हाला सगळं लावत असे, विचारपूस करत असे, ह्या माऊलीची आम्हाला अजूनही आठवण येते। खासकर मराठियों में बहुत बड़ा मतलब मान होता है, मान सम्मान होता है लोगों के लिए, मतलब सुहागन स्त्रियों के लिए। आजकल तो कोई भी मतलब जैसे दूसरी भी है तो हर किसी को हल्दी कुमकुम दिया जाता है। यही शुभेच्छा दूंगी कि हर किसी को कि हर साल इसी तरीके से हम जैसे हर साल खुशी खुशी मनाते हैं और अगले साल भी उसके अगले साल हर साल ऐसे ही अच्छे से हम हल्दी कुमकुम मनाएँ। जिस तरीके से लेडीज अगर खास करके यहाँ पर आते हैं एक गेट टुगेदर जैसा भी हो जाता है, लोगों को मिलने का एक बहाना भी मिल जाता है, उस तरीके का जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं इसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए आज के समय। ये जो आप बोल रहे हैं कि मतलब गेट टुगेदर टाइप हो जाता है, सही बोला आपने, इस तरीके से महिलाएं तो हम कभी हो नहीं पाती इकट्ठी, तो एक हल्दी कुमकुम के माध्यम से हम सब एकत्रित होकर हम अपने मन की बात, जो हमें कुछ बोलना भी होता है, कोई मैसेज उनके पास पहुँचाना होता है तो वो मैसेज भी उनके पास हम दे देते हैं। मतलब बोलेंगे हम कि एक ये माध्यम है हल्दी कुंकू का, एक जो त्यौहार है वो माध्यम से महिलाएं हर एरिया से आती है, किसी को हम बुलाए या ना बुलाए ये अनसेट इनविटेशन होता है कि इधर आए और हमारे क्या बोलते हैं उत्साह में भाग ले। और रही बात कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा, जो हमारी पुलिस ने निर्भया पथक की है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम तत्पर हैं, उनको पढ़ाने का, उनकी जो भी समस्या है, वैसे तो इधर तो क्या आनंद ही आनंद है, और उनकी जो भी समस्या होती है वो हमारी शाखा में आते हैं तो हम उनकी समस्या उनका सॉल्व करने की हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं और नारी शक्ति को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और आज की 21वीं सदी है तो नारी शक्ति की सदी है। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ महिला एक नारी शक्ति मतलब देवी, अपना देवी का रूप है, माँ अम्बा माता का रूप है। और हल्दी कुमकुम ये एक अच्छा मतलब साल में मकर संक्रांति के वक्त ही आता है और महिलाओं को कभी मतलब एक सब महिला एकत्रित होके मिलते हैं।